हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े और इसके साथ हम बेसन की चटनी भी बनाएंगे। ये आलू के पकोड़े के साथ ये बेसन की चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू के पकोड़े हमारे एकदम क्रिस्पी बनेंगे और एकदम फुले फुले बनेंगे। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छील कर पानी में रख दिए हैं। हम इसके चिप्स बना लेंगे। तो चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्लाइसर ले लिया है। अगर आपके पास स्लाइसर अवेलेबल ना हो तो आप हाथ से भी एकदम पतले पतले चिप्स बना सकते हो। इस तरीके से हमको पतले पतले चिप्स बना लेने हैं। तो आलू के हमने चिप्स बना लिए हैं। चिप्स को हम पानी में ही रखेंगे जिससे आलू के चिप्स काले ना हो जाए। अब हम बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो एक बाउल में हम सबसे पहले 1.5 कप बेसन डाल देंगे। 150 ग्राम बेसन है। बेसन हम छान कर लेंगे। मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया डालेंगे बारीक काट कर, और 1/2 टीस्पून हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसन हमेशा छान कर ही लेंगे जिससे बेसन की गुठलियाँ ना जम जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर हमको ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, वैसे बना लेना है। तो हम एक बार में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और स्मूथ बैटर बना लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही अच्छे पकोड़े बनते हैं। मैं यहाँ पर विस्कर की मदद से बना लेती हूँ बैटर, जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहे और जल्दी से स्मूथ बैटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा स्मूथ बैटर बन के रेडी है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरीके से रखनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जब हम बैटर चम्मच से ऊपर से डालते हैं तो बैटर में एकदम अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा होता है तो रिबन जैसे बनता है, इतना गाढ़ा हमको नहीं रखना है। इतना बैटर बनाने में 1/2 ग्लास पानी का यूज़ हुआ है। अभी हम पकौड़े पर डालने के लिए मसाला बनाएंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 4 मसाले हम मिक्स करेंगे। ये मसाला पकोड़े बनने के बाद ऊपर से डालना है पकोड़े पे, जिससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। मसाला हमारा बनके रेडी है। अभी हम बेसन की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन हम छान कर लेंगे। इसमें मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून चीनी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका भी हम स्मूथ बैटर बना लेंगे। चटनी के लिए बेसन का जो बैटर हम बनाएंगे एकदम पतला बनाना है, बाद में ये बहुत ही गाढ़ी हो जाती है चटनी। एकदम स्मूथ बैटर बना लेते हैं, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो स्मूथ बैटर हमने बना लिया है। इसमें हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। इस बेसन की चटनी में दही नहीं डालना है, तो हम चीनी और नींबू दोनों डालेंगे। टेस्ट खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमने बैटर बना लिया है, एकदम पतला बैटर बनाना है। बाद में हम और पानी डालेंगे जब हम तड़का लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। चीनी एकदम अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए बैटर में। अभी हम तड़का लगा लेते हैं चटनी का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, 1/2 छोटी चम्मच हम राई डालेंगे, 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे, 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो
फ्राई हो गया है, इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम बेसन का जो बैटर बना के रखा है वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको लगातार चलाएंगे, इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। टोटल इस चटनी में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, 3 टेबलस्पून बेसन लिया था उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, एक अच्छा उबाल आने देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बेसन में हमने पहले से नमक डाला है, हम पानी के हिसाब से नमक डालेंगे। तभी आप देख सकते हो अच्छा सा उबाल आ गया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ऐसी रखनी है। ठंडी होने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाती है चटनी, मुझे अभी सर्व करनी है तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप चाहे तो और पतली भी चटनी रख सकते हो। तो ये हमारी चटनी बनके रेडी है, गैस हम बंद कर देंगे और पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हम बेसन के बैटर में 1/4 टीस्पून सोडा मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, 1/4 टीस्पून सोडा ही डालना है, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। चिप्स को हम सुखा लेंगे, नैपकिन पे रख देंगे जिससे इसमें से एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इस तरीके से कपड़े से पोंछ लेंगे और चिप्स को लेके हम बेसन में डाल देंगे। जितने जितने हमको पकोड़े बनाने हैं वैसे वैसे हम डालते जाएंगे। इस तरीके से डाल के एक्स्ट्रा बेसन हम इस तरीके से निकाल लेंगे और तेल में डालेंगे। तो पूरा अच्छे से बेसन इस पे आना चाहिए चिप्स पे, और एक्स्ट्रा बेसन हम निकाल कर इस तरीके डालेंगे। तेल एकदम अच्छे से पहले हम गरम कर लेंगे, बाद में हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। जब हम पकोड़े डालें तब तेल एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए। और इसको पकोड़े को और क्रिस्पी करने के लिए हम बाद में गैस के मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे। आप देख सकते हो चारों पकोड़े हमारे एकदम अच्छे से फूल गए हैं। गैस की फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। पलट पलट के फ्राई करते रहेंगे बीच बीच में हम। अगर एकदम हम फुल गैस की आंच में फ्राई करेंगे तो पकोड़े फूल जाएंगे लेकिन सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसको क्रिस्पी करने के लिए गैस की मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छे हमारे पकोड़े बने हैं, एकदम क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने हैं और बिल्कुल ऑयल भी नहीं लग रहा है पकोड़े में, आप देख सकते हो। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको एकदम गरम गरम पे ही हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने बना के रखा है। एकदम क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से हमको बनाने हैं। जब हम पकोड़े डाल रहे थे तब तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और बाद में हम गैस की फ्लेम मीडियम करके फ्राई कर लेंगे। तभी आप देख सकते हो सारे पकोड़े हमारे एकदम अच्छे से फूले हैं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। दोनों और अच्छे से फ्राई करेंगे पलट पलट के इस तरीके से। तो ये पकोड़े भी हमारे बनके रेडी है, बहुत ही अच्छे एकदम क्रिस्पी पकोड़े दिख रहे हैं आप देख सकते हो, और एकदम ड्राई लग रहे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिख रहे आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे हमारे पकोड़े बने हैं। अब हम गरम गरम पे ही मसाला डाल देंगे जो हमने बना के रखा है, इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। ये मसाले से पकोड़े का टेस्ट और भी अच्छा आएगा, आप ये मसाला जरूर बना के ट्राई करना। तो हम सर्व करते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने चटनी ले ली है और प्याज और हरी मिर्च को फ्राई करके सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छे हमारे पकोड़े बने हैं, एकदम फूले फूले और एकदम क्रिस्पी बने हैं आप देख सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ये घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ये पकोड़े कैसे बने। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।